उधर उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान करने वाली एक खबर आई। यहाँ एक लड़की लड़का बनकर दूसरी लड़कियों को शादी के जाल में फंसाती और फिर उसे चूना लगाकर फरार हो जाती। आरोपी लड़की अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ी ये वो महिला जालसाज है जो पुरुष बनकर लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी, उनसे शादी करती और फिर चूना लगाकर फरार हो जाती। पुलिस के मुताबिक कृष्णा सेन नाम की आरोपी ऐसे ही कई लड़कियों को धोखा दे चुकी है। ये न सिर्फ पुरुषों की ड्रेस पहनती थी बल्कि तमाम सरकारी कागजातों में भी इसने खुद को पुरुष ही बताया है। ये जेंट्स उनके ही होलिया में रहती थी और इसके आईडी, निर्वाचन के कागजात, टोटली डॉक्यूमेंट इसके मेल के बने हुए। आरोप है कि 2014 में कृष्णा सेन ने काठगोदाम की रहने वाली एक लड़की से शादी की। इसके दो साल बाद 2016 में इसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। 2017 में कृष्णा सेन के खिलाफ काठगोदाम में फर्जीवाड़े की शिकायत दर्ज की गई। तो आपको कभी पता नहीं लगा ये महिला पुरुष? पता चल गया था। मामला दर्ज करने के बाद से ही पुलिस को उसकी तलाश थी, लेकिन वो लगातार पुलिस को चकमा दे रही थी, लेकिन आखिरकार पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जो गहराई से पूछताछ इससे की तो इसने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं लड़की हूँ और मैं बचपन से ही जेंट्स के ही कपड़ों में रहती थी, वही हावभाव करती थी, वही मेरे बॉब कट बाल थे और इस तरह से वो एक तरह से मर्द की तरह से ही लिबास पहन के ये रहने लगी थी। तो कामना सेन से इसने पैसे ऐंठने के चक्कर में शादी कर ली और उसके बाद यहाँ से ये फरार हो गया। मेडिकल रिपोर्ट में भी आरोपी के महिला होने की पुष्टि हुई है। हल्द्वानी से भूपेंद्र रावत के साथ टीम न्यूज़ नेशन।